नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए एक लंबे वक्त तक क्रिकेट खेला और तीनों फॉर्मेट में अपना लोहा मनवाया। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने शानदार तरीके से अपनी विकेट कीपिंग का लोहा मनवाया था और कई बड़े रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम किए थे। लेकिन अब ऋषभ पंत जब से टेस्ट क्रिकेट में बतौर कीपर लगातार खेल रहे हैं, वो महेंद्र सिंह धोनी के एक एक रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सेंचुरियन के मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़कर अब अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज करा लिया है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे तेज 100 शिकार करने वाले विकेट कीपर बन गए हैं। उन्होंने अपने 100 टेस्ट शिकार के लिए करने के लिए केवल 26 टेस्ट मैचों का सहारा लिया है, जबकि महेंद्र सिंह धोनी और रिद्धिमान साहा ने 36 टेस्ट मैचों में 100 शिकार पूरे किए थे। आपको बता दें कि अब ऋषभ पंत के नाम 92 कैच और 8 स्टंपिंग के साथ टेस्ट क्रिकेट के 26 मैचों में 100 शिकार दर्ज हैं और वो भारत के ऐसा करने वाले सबसे तेज विकेट कीपर बन गए हैं। ऋषभ पंत ने मोहम्मद शमी की गेंद पर पहले टेस्ट के तीसरे दिन टेमुआ बामुआ का कैच लपकने के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 शिकार पूरे किए। पंत ने इस मैच में अब तक 3 कैच पकड़े हैं। अब देखना होगा कि दूसरी पारी में वो किस तरीके से कीपिंग करते हैं। उन्होंने इस मैच में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एलगर का कैच पकड़ा, इसके बाद टेमुआ माबा और उसके बाद वियान मुल्डर का विकेट के पीछे कैच पकड़कर उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। पंत के टेस्ट करियर में अभी तक 92 कैच 8 स्टंपिंग हो चुकी हैं। अगर वहीं विश्व रिकॉर्ड की बात करें तो साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक के नाम सबसे ज्यादा सबसे तेज 100 शिकार करने का रिकॉर्ड है। क्विंटन डिकॉक ने ये उपलब्धि महज 22 टेस्ट मैचों में हासिल कर ली थी और विश्व रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। फिलहाल जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी को ऋषभ पंत ने पीछे छोड़ा है, वो भारतीय क्रिकेट के लिए एक शुभ संकेत है और हम सब उम्मीद करेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी की लेगेसी को ऋषभ पंत यूं ही आगे बढ़ाएं और बड़े से बड़े रिकॉर्ड दर्ज करते जाएं। फिलहाल ऋषभ पंत की इस उपलब्धि पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।